लेकर कि स्त्री सबला है, अपराजिता है, कभी रण में हारी नहीं है। इस यह सम्मेलन जो शुरू हुआ है, इस सम्मेलन के आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय सुरेश जैन जी हम सबके बीच में अपना अमूल्य समय लेकर आए हैं। उन्होंने हमें यह स्थान भी प्रदान किया है और हमें अपना मार्गदर्शन भी देंगे। और अभी उनकी विनम्रता के बारे में आपको बताऊं कि जब आदरणीय खेड़ा जी ने कहा कि आज आपके आप मार्गदर्शन से हम लाभान्वित होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके कार्यों से मैं मार्गदर्शन लेता हूं, मैं तो केवल आपका सहयोग करना चाहता हूं। ऐसे विनम्रता के धनी श्रेष्ठ पुरुष आदरणीय सुरेश जी को मैं आह्वान करता हूं, कृपया आए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, थोड़ा सा हल्का करता हूं माहौल को। बहुत सीरियस आप लोग बैठे हैं, हो जाएंगी महिला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। पहले महिलाएं जब पूरी तरह से पुरुषों के ऊपर डिपेंड होती थी, तो पुरुष घर के खर्चे के लिए और खर्चों के लिए उनको रुपए दिया करते थे। तो जब वो खत्म हो जाते थे तो पत्नी पति से कहती थी, अब ला अब ला, खत्म हो गया। धीरे धीरे जमाना बदला और सरदार साहब बता रहे थे बैठे हुए अध्यक्ष जी आपके, अब कहती है सब ला। पर आप लोग जो यहाँ बैठे हो, खासकर महिलाएं, मैं देख रहा हूं ना आप लोग अबला हो ना आप लोग सबला हो, आप लोग वो जो चाहती हैं सबका भला, सबका भला। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संधु साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुनील खेड़ा साहब, अति सम्मानित मंच पर विराजमान श्रीमती गांधी, डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर तरुण शर्मा जी, अभी जो अपनी स्पीच से सबको प्रभावित करके गई हैं, डॉक्टर दिव्या लहरी जी हमारे बीच इस कार्यक्रम के आयोजन में, इस ऑडिटोरियम के लिए जो अक्सर मुझसे बात करते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए, आज भी वैसे ही हुआ। श्री शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश जी, भाई श्री कृष्ण नंदन जी, श्री पवन जैन जी और तमाम लोग, बहुत सारे ऐसे ही उपस्थिति मैं यहाँ देख रहा हूँ जो कई कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि होते हैं। मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से आप सबका इस विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मंच का भी और आप सबका।
देश भर से यहाँ उपस्थिति है, उत्तर प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से भी है, अलीगढ़ और आगरा से भी है, जहाँ अभी कुछ विशेष कार्यों के लिए महिलाओं का स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम का नाम है अपराजिता। जरा गहराई से सोचना शुरू करें तो महिलाओं का जो एक बड़ा दायित्व है, या देश का जो एक बड़ा दायित्व है, जो अगर पूरा नहीं किया गया तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य मुझे अंधकार में दिखता है। मोहब्बत जो इससे पहली और उससे पहली जनरेशन्स में थी, अब उसको अपना व्यक्तित्व, उसका अपना एस्टेब्लिशमेंट, उसकी समाज में अपनी पहचान, इनकी तरफ जा रहा है। मैं नहीं कहता ये गलत है, ये बहुत अच्छा है, ये जरूर होना चाहिए, लेकिन जो मूल दायित्व है जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, जो कोई और नहीं कर सकता, वो भी उनकी पहली जिम्मेदारी है। दो तरह से आदमी दुश्मन पैदा करता है, एक तो तब जब वो तरक्की करता है तो अपने आप पैदा हो जाते हैं, और एक तब जब वो उन कुछ बातों को भी लोगों के सामने कहता है जिनको नहीं कहना चाहिए, वो भी दुश्मन पैदा करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले हमें देश के बारे में सोचना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। आप लोग यहाँ आए, मैंने शर्मा जी से कहा था आप आइए तो सही, हमारी महफिल के मेहमा बनकर खैर मकदम को हमारी आंखें होंगी, खैर मकदम को हमारी। आप लोगों ने मुझे सुना और भारत विकास परिषद के बारे में, मैं जितने भी कामों को जानता हूँ, आप लोग सब बधाई के पात्र हैं, और आज इस कार्यक्रम का अपराजिता नाम रखने के लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। और मेरी दुआ है कि आप में से और महिला समाज में से सभी लोग अपराजिता की तरह काम करें और कोई भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना हारें। थैंक यू वेरी मच। मार्गदर्शन बहुत लोग देते हैं, बात बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सही बात को इतनी साफगोई से कहने वाला कोई कोई होता है। आप हमारे बीच आए, आपने हमें इतना सुंदर स्थान दिया, आपने एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इस भारत विकास परिषद संस्था की ओर से, भारत विकास परिषद रोहिलखंड प्रांत की ओर से आपका अभिनंदन, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से करना चाहते हैं।